तो ये हमारा हलवाई स्टाइल छोले मसाला, जिसका टेस्ट आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिए हैं छोले यानी काबली चने। इसे रात भर मैंने भिगो दिया है। इसका पानी गिरा के साफ़ पानी हम ले लेंगे इसे कुकर में बॉयल करने के लिए। तो कुकर में हम इसे डाल देते हैं और बिल्कुल छोलों के बराबर ही हमें इसमें पानी डालना है, उतना ही पानी इसमें होना चाहिए। और इसी पानी का हम बाद में यूज़ भी करेंगे ग्रेवी के लिए। तो इसमें सीजनिंग डाल देते हैं, नमक। अच्छी तरीके से इसे मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। कुकर का हम ढक्कन लगाएंगे और 5 सीटी आने तक इसे पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो छोले हमारे पक चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन हटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि छोले बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गए हैं और ये बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं। ये देखिए बिल्कुल नरम छोले हो गए हैं। और अब हमें इसे बनाना शुरू करना है। तो एक पतीला हम ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ प्याज। इसे हम हल्का सुनहरा होने तक पकाएंगे। तो अच्छे से देख लीजिए, इस तरीके से आपको प्याज को सुनहरा करना है। उसके बाद इसमें अदरक मिर्च लहसुन का एक पेस्ट आपको इस तरीके से बना के डाल लेना है। इसे भी आपको चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। तो अदरक मिर्च लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से भून गया है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ सूखे मसाले। तो शुरुआत करेंगे हल्दी से, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देंगे, साथ ही डालेंगे इसमें डेगी मिर्च, और इसके साथ ही बाजार का हम डाल देंगे छोले मसाला, पैकेट वाला है ये। और इसके साथ ही उबले हुए टमाटर, यानी कि टमाटर को हमने उबाल लिया और छिलका हटा के उसे मिक्सी में हमने पीस लिया, तो ये हमारी टमाटर की प्यूरी इसमें पड़ गई। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। याद रहे हमने छोलों को उबालते हुए भी नमक डाला है। अब अच्छी तरीके से मिक्स करना है, मिलाना है, तेल छूटने तक हम इसे पकाएंगे। तो जब हल्का हल्का इस तरीके से तेल छूटने लगे तो इसमें 1 कप पानी हमें डाल देना है और इसे अच्छी तरीके से दोबारा से हमें मिक्स करना है, मिलाना है, और इसे हमें ढक के पकाना है 2 से 3 मिनट, जिससे कि अच्छी तरीके से इसका तेल छूट जाए। दो मिनट के बाद ढक्कन को हम हटाएंगे और एक बार फिर अच्छी तरीके से तली को खुरचते हुए हम इसे अच्छे से चलाएंगे और फिर से इसे 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे। ये प्रोसेस आपको 2-3 बार करना है। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पिघला हुआ घी, यानी देसी घी है ये। आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी और बटर का ही आपको यूज़ करना है, दोनों में से कोई एक, जो भी आपको पसंद हो, जिसका भी टेस्ट आपको अच्छा लगता हो उसे डाल दीजिए। अच्छी तरीके से मिक्स करिए, 1 मिनट के लिए इसे पका लीजिए। फिर उबले हुए छोले इसमें डाल देंगे। कुकर में जितना पानी है छोलों के साथ सारा ही डाल दीजिए, अलग से आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरीके से मिक्स करिए, इसे मिला लीजिए। तो दोस्तों रेसिपी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसमें हलवाई वाला टेस्ट लाना बाकी है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे गरम मसाला
और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। अगर अमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाले का यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए और 10 मिनट तक ढक्कन बंद करके धीमी आंच पे इसे दम दीजिए, जिससे कि ये चने मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो जाए और बढ़िया फ्लेवर आ जाए। तो इसे हम ढक देते हैं और ढक्कन हटाते ही आपको मिलेगा हलवाई स्टाइल में ये बढ़िया छोले मसाला, रोगन वाला छोले मसाला आपको मिलेगा, जैसा कि आप मार्केट में देखते हैं बिल्कुल वही टेस्ट है और इसकी बढ़िया खुशबू है। कलर देखिए लाजवाब है, छोले अच्छे से घुल गए हैं। टेस्ट आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। अब यहाँ पे आपको हो सके तो कसूरी मेथी या धनिया डाल दीजिए, अच्छी तरीके से मिक्स करिए और गर्मा गर्म सर्व करिए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।